हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने इनवेटो मॉडल एयर कंडीशन। इसमें क्या है, अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगा। इसमें आपके अगर इंडोर की पीसीबी की प्रॉब्लम है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपके आउटडोर यूनिट की पीसीबी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप कैसे इस प्रॉब्लम को टेस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसमें आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगा। और इसमें फिर कंप्रेसर आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कंप्रेसर कैसे चेक कर सकते हैं आपका कंप्रेसर ठीक है या फिर ख़राब है, तो कंप्लीट मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको भी ना इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। पहले आपको चेकआउट करना है कि आपकी जो इंडोर की पीसीबी वो आउटडोर में जो है कम्युनिकेशन आउट कर रही है या फिर नहीं कर रही। जो कम्युनिकेशन वायर होता है वो सीपी वायर बोलते हैं, इसे कंप्रेसर पावर सप्लाई आउट करती है पीसीबी। तो यहाँ पे क्या है, इस कवर को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या है, उसके जो कम्युनिकेशन वायर है वो सेम ही है इंडोर टू आउटडोर, बट यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो इंडोर की पीसीबी वो आउटडोर को सप्लाई आउट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। तो आपको इन चीज़ को दोनों को जो कैप है इसको कैप को रिमूव कर देना। उसके बाद मैं आपको जो इंडोर है, इंडोर से एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों साइड वायर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक वायर आप न्यूट्रल पर लगाएंगे, एक कम्युनिकेशन वायर पर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हैं अप डाउन नहीं हो रहे, यानी कि पीसीबी जो है सप्लाई आउट कर रही है। इस कंडीशन में आपकी जो इंडोर की पीसीबी वो सप्लाई आउट कर रही है बट कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या फॉल्ट है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या फॉल्ट है। यहाँ तक क्लियर होगा कि इंडोर की पीसीबी वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडोर की पीसीबी जो है सप्लाई आउट कर रही है, इंडोर की पीसीबी एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, बट प्रॉब्लम जो है वो आउटडोर यूनिट की पीसीबी में हो रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक आउटडोर है और यहाँ पे क्या है, तीनों वायर मैं निकाल के दिखाऊंगा। पहले मैं क्या है, इनको आपको फिर से दोबारा इसकी कम्युनिकेशन वायर की जो सप्लाई है आउट कर रही है इंडोर की पीसीबी या नहीं, वो चीज़ मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मीटर को है आपको डीसी बोर्ड पे सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है डीसी बोर्ड पे। उसके बाद एक वायर देंगे, एक आप नोप रखेंगे न्यूट्रल पर, एक रखेंगे आप कम्युनिकेशन वायर पर। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अप डाउन कर रहे हैं तो आपकी इंडोर टू आउटडोर दोनों की पीसीबी काम कर रही है, आउटडोर भी चल रहा है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वोल्टेज अप डाउन करते हैं, दोनों के कम्युनिकेशन मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर क्या हुआ, एकदम प्रॉपर तरीके से दोनों चीज़ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं चलती है तो आउटडोर की पीसीबी में दिक्कत है। तो अभी क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको कम्युनिकेशन वायर को निकाल के दिखाता हूँ। उसके बाद मैं एक वायर जो है न्यूट्रल पे लगाता हूँ और एक वायर लगाता हूँ कम्युनिकेशन वायर पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मीटर में क्या रीडिंग शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल जीरो शो हो रहा है, कोई मतलब जो है आपके सामने शो नहीं हो रही है वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन वायर जो है उसने इंडोर की पीसीबी ने ऑट नहीं किया, ये दिक्कत आएगी। अगर ऑट नहीं करती है तो वहाँ पर जीरो जीरो सो होगा, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इस पर दोबारा लगाया तो आप देख रहे हैं 48 वैल्यू सो हो रही है, तो यानी कि उसने कम्युनिकेशन वायर जो है आउट कर दिया इंडोर की पीसीबी ने। यहाँ तक ओके क्लियर, एकदम इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे अगर आपका इंडोर जो है इंडोर की पीसीबी सप्लाई आउट करती है और आउटडोर की पीसीबी कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, तो इंडोर की पीसी की जो वैल्यू है वो एकदम रुकी रहेगी, चाहे 48 हो 47 हो जो भी हो, वहाँ पे क्या है वही वैल्यू सो होगी। अगर इंडोर टू आउटडोर का पीसीबी का कम्युनिकेशन आपस में लगेगा तब वहाँ पर वोल्टेज अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपका कंप्रेसर ऑन फिर भी नहीं हो रहा, आपकी इंडोर की पीसीबी ठीक है आउटडोर की पीसीबी ठीक है, फिर भी वहाँ पे जो आपका कंप्रेसर वो ऑन नहीं हो रहा, तो आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे चेकआउट करना है कंप्रेसर की वाइंडिंग ठीक है या फिर इसकी वाइंडिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है, यहाँ पर मैं कंप्रेसर आपको कम्प्लीट टेस्टिंग बताऊंगा कि आप कंप्रेसर कैसे चेक कर सकते हैं। प्लस आपको ये जो UVW है यहाँ पर शॉर्टेज इसकी वो भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है, मीटर से। तो आपको दोनों ही चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल ये नॉलेज मिलेगी, तो आपको बस इसको ही। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर होना चाहिए अच्छी कंपनी का, ठीक है, जिससे कि आप इसको अगर टेस्टिंग करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस अप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मीटर को क्या है, कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर देना, ये जो यहाँ पे अलार्म बजता है वहाँ पे आपको सेट कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो कनेक्टर होता है पीसीबी का, ठीक है, आप चाहें तो इस कनेक्टर को यहाँ से रिमूव कर दें और उसके बाद क्या करना है आपको इसको चेकआउट करना है, ठीक है। ये जो कनेक्टर है ये सीधा UVW है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी मतलब चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो अंदर UVW है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ से भी दिखा दूंगा आपको। तो ये जो UVW है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉडी को चेक करना है कि बॉडी आपकी शॉर्ट तो नहीं,
तो यहाँ पे क्या है, मैं मीटर ले रहा हूँ, मीटर में इस तरफ सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है कनेक्टर, कनेक्टर लेना है, कनेक्टर पे एक नोब ये रखना है, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरी वाली जो होगी वो यहाँ पे रखना है। तो इससे क्या है, बॉडी जो की शॉर्ट होगी वो पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई अलार्म नहीं आ रहा है, कोई बीप का साउंड नहीं है, बाकी रेजिस्टेंस है तो ये ठीक है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसकी शॉर्टेज तो नहीं है, तो ये भी ठीक है, और उसके बाद ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो इन तीनों की लगभग जो रेजिस्टेंस थी वो सेम थी और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या करना है, मैंने कनेक्टर से मतलब इसको निकाल के उसके बाद आपको यहाँ से दिखाना है कि वहाँ पे जो बैंडिंग है इसकी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैं इसको निकाल दूंगा और उसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने तीनों पॉइंट है इसके बाहर कर दिए, इसका जो कनेक्टर है वो बाहर कर दिया। उसके बाद मैंने मीटर लिया है, मीटर को मैंने, तो यहाँ पे क्या है, मीटर ले लिया, मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर दिया, और बाकी मैंने ये जो इसका कनेक्टर है इसको बाहर कर दिया, और ये वाला जो कनेक्टर है ये कनेक्टर मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इस मतलब यहाँ पर चेक करके आपको बताता हूँ। तो आपको करना है ये वाली जो दोनों पे है इनको इस साइड रखना है, ठीक है, और आप मीटर में देखेंगे ये वाली जो दोनों पे मैंने यहाँ पे रखना है, और आप मीटर में देखेंगे चेक करेंगे, ठीक है। तो आप मीटर में देख रहे हैं ये टू मतलब इसमें दिखा रहा है, तो इन तीनों में यही दिखाना चाहिए, सेम टू या वन जो भी दिखा है, तो ये देख रहे हैं आप वन हो गया, वन या टू दिखा रहा है, ठीक है, तो सेम होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं इसमें भी टू है, और अब इससे इसमें देखता हूँ इसमें भी टू है, तो तीनों में ये जो रेजिस्टेंस होती है ये सेम होना चाहिए तीनों में। अगर एक में भी अप डाउन है, या फिर किसी में चार है, किसी में पांच है, या किसी में सो नहीं हो रहे, तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर फॉल्टी हो जाता है। तो आप कंप्रेसर इसी तरह से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी वाइंडिंग शॉर्ट है तो आप बेंडिंग को क्या है, जैसे मैंने तरीका बताया, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वरना आपका जो कनेक्टर होता है इसको लगा के भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप जो मल्टीमीटर से है तो आप इस तरीके से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपके इंडोर की पीसीबी ने सप्लाई आउट कर दी, आउटडोर की पीसीबी ने सप्लाई आउट कर दी, दोनों पीसीबी ठीक है, उसके बाद आपने कंप्रेसर टेस्ट करा, कंप्रेसर चेक करा, कंप्रेसर की वाइंडिंग भी ठीक है, कंप्रेसर शॉर्ट भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो वहाँ पर क्या फॉल्ट होगा लास्ट में, तो उसमें क्या फॉल्ट होता है, आपका कंप्रेसर का जो रूटर होता है वो जाम होता है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में जो कंप्रेसर होता है वो घूस से आवाज़ करता है और प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता, ये दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका कंप्रेसर फॉल्टी होता है, आपको कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से हर एक फॉल्ट टेस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी, अगर आपकी इंडोर आउटडोर की पीसीबी है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर कंप्रेसर है तो कंप्रेसर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी अगर कंप्रेसर आपका ऑन नहीं हो रहा है तो आपके कंप्रेसर का रूटर जाम है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आप कंप्रेसर रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।